कोर्ट और पुलिस से संबंधित सबसे बड़ा कन्फ्यूजन सीआरपीसी के सेक्शन 100 और सेक्शन 165 को लेकर है। यहाँ तक कि स्वयं पुलिस, कोर्ट्स और एडवोकेट्स इन सब के बीच में भी इन दोनों सेक्शंस को लेकर तुक्केबाजी चलती रहती है। कोई कहता है यह बात सही है, कोई कहता है वह बात सही है, और सही बात का पता नहीं चल पाता है। नतीजतन फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स और यंग एडवोकेट कलीग्स को नुकसान होता रहता है। इसलिए आज इस विषय पर यह वीडियो प्रस्तुत है। निश्चय ही आज के बाद इस विषय पर कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं बचेगा। क्रिमिनल लॉ का सबसे बेसिक रूल आप जान लीजिए। पूरा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि सीआरपीसी केवल दो लोगों के खेल का मैदान है, पहला मजिस्ट्रेट और दूसरा पुलिस ऑफिसर। पूरा सीआरपीसी इन दोनों लोगों के चारों तरफ घूमता है। मजिस्ट्रेट की शक्तियां तुलनात्मक रूप से पुलिस ऑफिसर से अधिक होती हैं और वह अपनी कोर्ट के लिए पुलिस ऑफिसर के द्वारा या किसी अन्य व्यक्तियों के द्वारा इनपुट्स को प्राप्त कर सकता है। जाओ उसको ढूंढ कर लाओ, जाओ उसको बंदी बनाया गया है उसको हमारे सामने लेकर आओ, फला दस्तावेज को हमारे हुजूर में पेश करो, वगैरह वगैरह। मजिस्ट्रेट इस तरह के आदेश पुलिस ऑफिसर को दे सकते हैं। और दूसरी बात ये भी कि यह काम पुलिस वाले के द्वारा या बिना पुलिस वाले से किसी और को भी आदेश देकर करवाया जा सकता है। वहीं पर पुलिस ऑफिसर का कर्म क्षेत्र इन्वेस्टिगेशन होता है, जो यहाँ बिना किसी दूसरे की दखलंदाजी के वह इसको कर सकता है। यहाँ तक कि मजिस्ट्रेट भी उसको आदेश नहीं दे सकता है कि क्या इन्वेस्टिगेशन किया जाए और क्या नहीं किया जाए। लेकिन इतना जरूर है कि जो इन्वेस्टिगेशन किया गया है वह कानूनी रूप से ठीक है या गलत है, इस बात की जाँच मजिस्ट्रेट जरूर कर सकता है। इतना जानने के बाद अब आप सेक्शन 100 सीआरपीसी और 165 सीआरपीसी के तहत आने वाले सर्चेज का, तलाशी का अंतर आसानी से जांच सकते हैं। आइए हम इन अंतरों को एक एक करके जांचते हैं। पहला विषय है दोनों सेक्शंस के उद्देश्य। सेक्शन 100 सीआरपीसी के चैप्टर 7 में आता है, जिसमें कोर्ट वस्तुओं या व्यक्तियों को अपने सामने पेश किए जाने का आदेश देता है, जबकि सेक्शन 165 सीआरपीसी चैप्टर 12 में आता है, जो पुलिस के द्वारा की जाने वाली इन्वेस्टिगेशन के हर एक पहलू को तय करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सेक्शन 100 व सेक्शन 165 सीआरपीसी में अलग अलग उद्देश्य के साथ समाहित किए गए हैं। सेक्शन 100 मजिस्ट्रेट की शक्तियों का केंद्र है, जबकि सेक्शन 165 पुलिस ऑफिसर की शक्तियों का केंद्र है। सेक्शन 165 केवल तभी लागू होगा जब पहले से एक एफआईआर दर्ज हो रखी हो, जबकि सेक्शन 100 के तहत मजिस्ट्रेट पर ऐसी कोई पाबंदी लागू नहीं होती है। आइए इसको थोड़ा सा और समझ कर देखते हैं। सीआरपीसी के जिस चैप्टर 7 में सेक्शन 100 आता है, उसी में सेक्शन 91 आता है, 91 से आप सभी परिचित हैं, जिसमें मजिस्ट्रेट किसी वस्तु या दस्तावेज को तलब करते हैं, आदेश देते हैं कि जाओ और फला फला डॉक्यूमेंट को हमारे सामने प्रस्तुत करो। इसी चैप्टर में सेक्शन 94 आता है, 94, जिसमें चोरी का माल रखे जाने वाले स्थान की तलाशी लिए जाने का हुक्म मजिस्ट्रेट देते हैं। सेक्शन 97 भी आता है, जिसमें किसी बंदी बनाए गए व्यक्ति की तलाशी का हुक्म दिया जाता है, जाओ फला फला स्थान पर उस व्यक्ति को बंदी बनाकर रखा गया है, तलाश करो, ढूंढ कर लेकर आओ। इसके बाद सेक्शन 98 भी उसी में आता है, जिसके तहत अपहरण की गई महिलाओं की वापसी का हुक्म मजिस्ट्रेट देते हैं। तो इन सब कामों के लिए या तो पुलिस अफसर को या किसी अन्य व्यक्ति को यह तलाशी का काम सौंपा जा सकता है। यह सीआरपीसी के चैप्टर 7 वाली तलाशी सेक्शन 100 सीआरपीसी के अनुसार ली जाएगी। दूसरी ओर एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ऑफिसर अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपराध या अपराधी की धरपकड़ करने के लिए जहां जरूरी लगेगा वहां छापा मारेगा, रेड करेगा, तलाशी लेगा, गिरफ्तारी करेगा, वस्तु या व्यक्ति की जब्ती करेगा। तो यह जो भी कुछ करेगा वह चैप्टर 12 सीआरपीसी में करेगा। तो इस वक्त ली जाने वाली तलाशी यानी कि एफआईआर के बाद ली जाने वाली तलाशी सेक्शन 165 सीआरपीसी में ली जाएगी। मजिस्ट्रेट यह नहीं बताएंगे कि कहां तलाशी ली जानी है, कब ली जानी है। मजिस्ट्रेट की शक्ति केवल यह देखने की होगी कि जब तलाशी ली गई थी तो क्या उस समय सेक्शन 165 सीआरपीसी का सही पालन किया गया था।
हमने अपने सब व्यूअर्स के लिए इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन शुरू करवाया है। इसमें आप पूरे केस की कंसल्टेशन ले सकते हैं या सिर्फ उस छोटी सी बात से जो आपको परेशान कर रही है उस पर भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। हमारे सीनियर एडवोकेट्स, यंग एडवोकेट कलीग्स और फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स सबके लिए यह सुविधा उपलब्ध है। आप 20 मिनट वाली छोटी कंसल्टेशन या पौने घंटे वाली बड़ी कंसल्टेशन कोई भी बुक कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दूसरा अंतर इन दोनों सेक्शंस के बीच में यह है कि इनमें अधिकृत व्यक्ति अलग अलग होते हैं। सेक्शन 100 सीआरपीसी में पुलिस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट के द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो पुलिस अफसर को ना कहकर किसी अन्य व्यक्ति को अधिकृत कर दे कि जाइए आप तलाशी लीजिए। यह मजिस्ट्रेट के विवेक पर निर्भर करता है कि वो किसको तलाशी का अधिकार प्रदान करते हैं। जिसको भी तलाशी का अधिकार प्रदान करेंगे उसको अधिकृत व्यक्ति कहा जाएगा। सेक्शन 165 सीआरपीसी में तलाशी का यह काम केवल पुलिस अफसर का ही अधिकार होता है। वह इन्वेस्टिगेशन करें और उसके दौरान तलाशी लें, जैसा कि इस सेक्शन में लिखा हुआ है। इस पुलिस अफसर को जिस समय वह केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है आईओ या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहते हैं। इन दोनों सेक्शंस यानी कि 100 और 165 सीआरपीसी के बीच में अंतर है वारंट और बिना वारंट की तलाशी का अंतर है। सेक्शन 100 सीआरपीसी के तहत अधिकार का स्रोत मजिस्ट्रेट होते हैं, अतः दूसरे व्यक्ति को यह अधिकार देते समय मजिस्ट्रेट एक वारंट जारी करते हैं। जिसके पास भी वारंट होगा, चाहे वह व्यक्ति पुलिस वाला हो या अन्य व्यक्ति हो, वही तलाशी लेने के लिए अधिकृत माना जाएगा। सेक्शन 91 की तलाशी हो, सेक्शन 94 की तलाशी हो, 97 की तलाशी हो, 98 की तलाशी हो, जो भी तलाशी होगी वह वारंट को धारण करने वाला व्यक्ति कर पाएगा। सेक्शन 165 सीआरपीसी वाली तलाशी के लिए वारंट जरूरी नहीं होता है। पुलिस ऑफिसर या आईओ अपनी इच्छा से किसी भी उस स्थान की तलाशी ले सकता है जिसकी उसे आवश्यकता महसूस होती है। पुलिस अफसर की यानी आईओ की इच्छा ही उसका अधिकार बन जाती है। सेक्शन 100 तथा सेक्शन 165 के बीच में अगला अंतर इनके कार्यक्षेत्र को लेकर है। दोनों अलग अलग कार्यक्षेत्र में प्रभावशाली होते हैं। सेक्शन 100 सीआरपीसी में जिस स्थान की तलाशी ली जानी है उस स्थान के मालिक के कर्तव्यों ड्यूटीज के बारे में सब कुछ विवरण दिया गया है कि उस स्थान के मालिक को क्या करना जरूरी होगा। वह मालिक तलाशी लेने वाले को उस स्थान की तलाशी के लिए सहायता देगा, सुगमता देगा, इंग्रेस का राइट देगा, आने जाने को बाधित नहीं करेगा। अधिकृत व्यक्ति यानी कि जिसको मजिस्ट्रेट ने अपना वारंट देकर अधिकृत किया है, वह तलाशी 2 गणमान्य लोगों की उपस्थिति में लेगा। मालिक की सहायता व सुगमता ना दिए जाने पर वह बल का प्रयोग कर सकेगा। उधर सेक्शन 165 सीआरपीसी में पुलिस ऑफिसर यानी कि आईओ की शक्तियों के बारे में बताया गया है। सेक्शन 165 की तलाशी में 2 गणमान्य लोगों की उपस्थिति भी जरूरी नहीं होती है। हो जाए तो ठीक है, लेकिन ना भी हो यह कोई कानूनी गलती नहीं मानी जाएगी। सेक्शन 165 सीआरपीसी में तलाशी का उद्देश्य बेरोक टोक प्रभावी जांच पूरी करना होता है। यदि जांच में बाधा आ रही है या अनावश्यक देरी हो रही है तो पुलिस आईओ अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपनी विधि खुद तय कर सकता है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि बहुत सारे एडवोकेट कोर्ट में अड़ जाते हैं कि देखिए आपने कैसी जांच की है, कैसी तलाशी ली है, वहाँ 2 गणमान्य लोग तो थे नहीं समाज के। तो ध्यान रखें कि सेक्शन 165 सीआरपीसी में इन 2 गणमान्य लोगों का होना कानूनी कंपल्शन नहीं है। दोनों के बीच में आता है अगला अंतर, पांचवा अंतर, और पांचवा अंतर इनके स्टेक होल्डर्स का है। हमें देखना होगा कि इन दोनों में कौन कौन आवश्यक स्टेक होल्डर्स होते हैं। सेक्शन 100 सीआरपीसी की तलाशी मजिस्ट्रेट तथा अधिकृत किए गए व्यक्ति के बीच का मामला रहता है। यदि मजिस्ट्रेट को यकीन है कि अधिकृत व्यक्ति ने ठीक ठीक इस वारंट को तामील किया है तो प्रक्रिया पूरी हो जाती है। मजिस्ट्रेट अधिकृत व्यक्ति में अपना विश्वास जताते हैं और अधिकृत व्यक्ति उस विश्वास में खरा उतरने की कोशिश करते हैं। अधिकृत व्यक्ति केवल और केवल मजिस्ट्रेट के प्रति जवाबदेह होते हैं, जबकि सेक्शन 165 सीआरपीसी की तलाशी आईओ कंप्लेनेंट और अक्यूज के बीच का मामला रहता है। आईओ तलाशी लेता है, कंप्लेनेंट की शिकायत के मद्देनजर लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी अक्यूज के अधिकारों का उसको ध्यान रखना पड़ेगा। वह झूठी बरामदगी दिखाकर अक्यूज को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, इससे कानून भंग हो जाएगा और बहुत सारी सर्चेज को हम इसी आधार पर चैलेंज करते हैं और उन्हें रद्द करवा देते हैं। नंबर 6, जो अगला अंतर है, वह तलाशी की कार्रवाई की कॉपी दिए जाने का अंतर है।
सेक्शन 100 सीआरपीसी में अधिकृत व्यक्ति अपनी तलाशी की कार्रवाई पूरी करने के बाद कार्रवाई किए जाने की कॉपी उस स्थान के मालिक को फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। यह कॉपी मुफ्त दी जाएगी और यह कानूनी रूप से जरूरी है कि यह कॉपी दी जाए। यह कॉपी वहीं कानूनी रूप से मौके पर ही दी जानी चाहिए, लेकिन ये लोग प्राय अपनी प्रोसीडिंग्स को पहले रफ तैयार करते हैं और बाद में फेयर करते हैं, तो एक दो दिन तो इसमें लग जाता है, लेकिन यह तत्काल दिए जाने का कानूनी प्रावधान है। दूसरी ओर सेक्शन 165 सीआरपीसी की तलाशी में आईओ अपनी प्रोसीडिंग्स को एरिया मजिस्ट्रेट के पास जमा करवा देते हैं, अतः उक्त एरिया मजिस्ट्रेट के पास पहले एप्लीकेशन लगानी होती है और एप्लीकेशन लगाने पर वह कॉपी मिल पाती है। हालांकि यह कॉपी भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलती है, लेकिन एप्लीकेशन लगाने पर मिलती है। तो यह सेक्शन 100 और सेक्शन 165 के बीच का एक और अंतर था। अब हम देखते हैं इसका अगला अंतर कि तलाशी कौन कर पाएगा। दोनों तलाशियों के सेक्शन हैं, तो इनके बीच में हम अंतर ढूंढ रहे हैं, तो हमने देखना चाहते हैं कि इनमें तलाशी कौन कौन कर पाता है। सेक्शन 100 सीआरपीसी की तलाशी अधिकृत व्यक्ति को स्वयं लेनी होती है। वह अपने इस अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति को सौंप नहीं सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि मजिस्ट्रेट ने ए को अधिकृत किया और ए ने अपनी तरफ से बी को अधिकृत करके कहा कि जाओ तलाशी लो। ऐसा नहीं हो पाएगा, ए को ही तलाशी लेनी होगी। वहीं सेक्शन 165 सीआरपीसी की तलाशी में ऐसा कोई बंधन नहीं होता है। यदि इन्वेस्टिगेशन कर रहा पुलिस ऑफिसर स्वयं तलाशी के लिए उपलब्ध नहीं होता है, तो वह अपने किसी मातहत या सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को भी इसके लिए नियुक्त कर सकता है। कह सकता है कि जाइए आप तलाशी ले लीजिए। यानी कि एक पुलिस ऑफिसर दूसरे पुलिस ऑफिसर के लिए सेक्शन 165 सीआरपीसी की तलाशी करवा सकता है। इस प्रकार से यह सेक्शन 100 सीआरपीसी और सेक्शन 165 सीआरपीसी के बीच की तलाशियों के बीच में जो अंतर आता है, वह इस प्रकार से हमने अभी आपके सामने बताया। इसे यदि आप समझ गए हैं तो हिंदी के सीरियलों वाली गलती अब नहीं करेंगे कि तलाशी लेने के लिए आए पुलिस वालों से सर्च वारंट मांगेंगे, क्योंकि अब आपको पता है कि केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान आईओ बिना वारंट के भी तलाशी ले सकता है। तो सीरियल वाले जो गलती करते हैं, अब आप वह गलती नहीं करेंगे। इंडियन लीगल सिस्टम आपको निरंतर एक कानूनी सहारा देता रहा है। आप जब भी किसी झूठे आरोप में फंस जाते हो तो हम अपने डिस्टेंस एडवोकेसी से आपको बचने की राह दिखाते हैं। हमें गर्व है कि हम अपने हजारों साथियों की कानूनी सहायता कर पाए हैं जिनको सही रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। आप हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर जाकर सब जानकारी अपनी सरल भाषा में पा सकते हैं। वहीं पर आप हमारी वेबसाइट के विभिन्न लिंक्स देख सकते हैं और चाहें तो वहां दिए गए सिंबल पर सर्च करके ढूंढ भी सकते हैं। जब आपको आवश्यकता होगी तो हम आपके लिए भी बेहतरीन क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करके भेज सकते हैं। कोई दूसरा लीगल डॉक्यूमेंट हो तो हम वह भी उपलब्ध करवा सकते हैं। हम आपको विजयी बनाना चाहते हैं ताकि फॉल्स एलिगेशन आपको हरा ना पाए। भारत भर में हमारी सहायता पहुंच रही है, वह आप तक भी पहुंचाई जाएगी। आप हमें बताएं कि आपकी क्या आवश्यकता है। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। यह हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। सहायता पाने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजें, तत्काल आपको आगे का रास्ता बताया जाएगा। एक बार मेंबर बनने के बाद आप हमें हिंदी और इंग्लिश में अपना मटेरियल भेज सकते हैं, अन्य भाषा हो तो ट्रांसलेशन भेज सकते हैं। हम आपसे अगली वीडियोज में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।